नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत ग्वालियर की बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ, जहां 6 साल पहले पिता की डांट से नाराज होकर भाग गए छात्र को पुलिस ने खोज निकाला है। इलाके के हजीरा से 6 साल पहले गायब हुआ 10वीं का छात्र मुंबई में मिला। पुलिस ने छात्र को उसके पुराने आधार कार्ड की मदद से खोज निकाला और जब उसे मुंबई से ग्वालियर लाया गया तो 6 साल के बाद बेटे के मिलने पर परिवार भावुक हो गया। इन 6 सालों के दौरान छात्र ने मुंबई में होटल में काम कर ग्रेजुएशन किया और इस समय वो अंधेरी में एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था। तो आप ये देखिए कि कहानी वाकई में फिल्मी है, क्योंकि 6 साल पहले ये छात्र घर छोड़कर चला गया था। दरअसल पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पिता ने काफी डांटा और डांट से इतना गुस्से में आ गया कि ये घर छोड़कर चला गया और मुंबई पहुंच गया जहां पर ये जॉब भी कर रहा था। और 6 साल बाद जब पुराने आधार कार्ड के माध्यम से पुलिस ने इसे ढूंढ लिया, घर पहुंचाया, तो अपने परिवार से मिलकर इसने ये रोने लगा और काफ़ी भावुक ये पूरा नज़ारा इस दौरान नजर आया। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई में कहानी फिल्मी ज़रूर लग रही है लेकिन हकीकत है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 6 साल का जो इंतज़ार था वो जब पूरा हुआ तो किस तरीके से पूरा भावुक पल रहा उस दौरान। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी नज़र आई है। यहाँ से साल 2019 में 10वीं का एक छात्र जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास थी, आशु राजपूत, वो लापता हुआ था हजीरा इलाके से। परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, चूंकि नाबालिग था तो अपहरण का इसमें केस दर्ज किया था पुलिस ने। जब से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और लगातार पुलिस ने जो है इसकी बरामदगी पर इसके पता बताने वालों को 10,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की थी, और उसके बाद जब पुलिस ने तलाश की तो पुराने जो आधार कार्ड था इसका, आशु का, इसके आधार पर इसने एक सिम ली थी, उसी सिम के नंबर के आधार पर इसकी लोकेशन मुंबई ट्रेस हुई। और उसके बाद ग्वालियर के हजीरा पुलिस मुंबई पहुंची, अंधेरी इलाके में जहां ये रियल इस्टेट कंपनी में जॉब कर रहा था अच्छे पद पर, वहां से इसे रिकवर किया और इससे पूछताछ की। और उसके बाद जो है इसे समझाइश देकर ग्वालियर लाया गया। इसने बताया था कि उसके पिताजी उसे कोचिंग जाने के लिए इसके साथ मारपीट और डांट फटकार लगाते थे, इसी बात से वो क्षुब्ध होकर घर से निकल गया था। पहले वो नोएडा गया, उसके बाद दिल्ली सहित अन्य इलाकों में होता हुआ मुंबई पहुंचा। वहां उसने बताया कि होटल में काम किया उसने कई समय तक, और उसके बाद उसने वहां से पैसे अर्जित करके बीएससी की, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के साथ ही उसने वहाँ रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी की है और वो अच्छी खासी नौकरी अब कर रहा है। और हालांकि उसने क्षुब्ध होकर ही घर छोड़ा था और उसका कहना था कि वो शर्मिंदा था, इसलिए उसने परिवार वालों से संपर्क नहीं किया। अब चूंकि पुलिस उसको लेकर आई है तो भावुक पल था, उसकी माँ भी उसे देखकर रोने लगी, परिवार के लोग रोने लगे, गले लगा लिया, दोनों माँ बेटों ने गले लगकर जो है इस खुशी के पल का इजहार किया। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली। और लेकिन एक ये कहानी है एक बालक की कि जो 16 साल की उम्र में घर छोड़ देता है लेकिन वो घर से जाने के बाद बाकायदा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और उसके बाद अच्छी नौकरी हासिल करता है। तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक कहानी भी कह सकते हैं कि जो एक नकारात्मक पहलू के साथ शुरू हुई थी कि पिता की डांट से नाराज होकर ये बच्चा निकला था और उसके बाद अब जो है ये वापस ग्वालियर आ गया है। तो अब निश्चित तौर पर पुलिस जो है कि ये सराहनीय पहल है और एक बिछड़े परिवार को उनका बेटा मिला है और बेटे को भी माँ बाप का साया वापस से मिला है। बिल्कुल, पुलिस की मेहनत यहाँ पर रंग लाई वाकई में। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे आग की 4 तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए। उज्जैन में आग के चलते कबाड़ गोदाम रखा राख हो गया, तो वहीं इंदौर की बात जहां मोबाइल शॉप में आग लगी और रायपुर में आग के चलते सरकारी गाड़ी जल गई, तो वहीं चिरमिरी की बात जहां कार आग का गोला बन गई। ये 4 तस्वीरें आगजनी की, शहर शहर आग का कहर, अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जहां कबाड़ गोदाम में एक तरफ आग लगी उज्जैन में, तो वहीं इंदौर में आग लगने का घटनाक्रम सामने आया है और एक गाड़ी पूरा आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो पहले आप इंदौर की तस्वीर देखिए। इंदौर में दुकान में लगी भीषण आग, जहां मोबाइल शॉप में लगी आग, ट्रैफिक जवान की सजगता से एक बड़ा हादसा टल गया। दमकल के आने से पहले जवान ने आग बुझाने की कोशिश की। ट्रैफिक जवान सुमंत सिंह को विभाग ने 2,000 रुपए का इनाम भी दिया है। तो आप ये देखिए कि एक जवान की सूझबूझ से बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया
और अच्छी बात ये कि कोई जनहानि की खबर नहीं है। यहाँ तक कि इस साहस को लेकर ट्रैफिक जवान सुमंत सिंह को विभाग ने 2000 का इनाम भी दिया है। मोबाइल शॉप में आग लगी थी, समय रहते इसे बुझा लिया गया। तो एक खरगोन में एक और आगजनी की घटना हुई जहां पर हड़कंप मच गया आग से। देर रात झोपड़ी में लगी आग, आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया तो धू धू कर पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। खरगोन का पूरा मामला है, देर रात झोपड़ी में आग लगी, आग कैसे लगी कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। और अब बड़ी खबर उज्जैन से, जहां कबाड़ के गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू। उन्हेल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। कड़ावद रोड पर है कबाड़ का गोदाम, आगजनी में जनहानि नहीं हुई है। तो तस्वीरें भी आप देखिए उज्जैन में, जहां कबाड़ का ये पूरा गोदाम था जिसमें आग लगी और आग बुझाई जाती इसके पहले ही पूरा कबाड़ जलकर खाक हो चुका था। उन्हेल थाना क्षेत्र का मामला है, कड़ावद रोड पर कबाड़ की गोदाम स्थित है। आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इस आगजनी की घटना में नहीं हुई और जब तक इस आग को शांत किया जाता उसके पहले ही पूरा कबाड़ जलकर राख हो चुका था। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी और समय रहते अगर इसे बुझाया ना जा सकता तो जाहिर सी बात है कि आग फैलती और हो सकता है कि कुछ ज़्यादा नुकसान होता। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि इस आगजनी में नहीं हुई है। और अब बात शाजापुर से, अहम खबर की। शाजापुर में प्राइवेट बस पलटी, 5 यात्रियों को आई चोट। दतिया से इंदौर जा रही थी बस, नेशनल हाईवे 52 पर बंजारी के पास ये हादसा हुआ। आज सुबह हादसा हुआ और हादसा किन कारणों से हुआ फिलहाल ये जांच का विषय है। शाजापुर में प्राइवेट बस पलटी, 5 यात्रियों को आई चोट। दतिया से इंदौर बस जा रही थी, नेशनल हाईवे 52 पर बंजारी के पास हादसा हुआ। तो आज सुबह ये हादसा हुआ है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा। शाजापुर में प्राइवेट बस पलटी, 5 यात्रियों को चोट आई। तो दतिया से इंदौर बस जा रही थी, नेशनल हाईवे 52 पर बंजारी के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर शाजापुर से। कुछ ही महीनों में एमपी सरकार अपना बजट पेश करने वाली और ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से आरबीआई से कर्ज लिया है। मोहन सरकार ने 50 दिन के कार्यकाल में दूसरी बार कर्ज लिया है और आज सरकार को आरबीआई से 2500 करोड़ का कर्ज मिलेगा। एमपी में सरकार पर करीब 3,33,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। 2023 में और 2024 में अब तक एमपी सरकार 30,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बताया जा रहा है कि 26 विभागों का 3 महीने का बजट तय करने के बाद आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने यह कर्ज लिया है। तो मध्य प्रदेश में कुत्तों के काटने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कुत्तों के काटने से हाल ही में कुछ मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरने की कोशिश की। सोशल मीडिया एक्स पर कमलनाथ ने लिखा, डॉग बाइट से बच्चों की मौत की घटनाएं हृदय विदारक हैं। ये एक गंभीर समस्या है और इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। भोपाल में 13 दिन में कुत्तों के काटने से 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। हाल ही में 4 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हुई है। इसे प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। राज्य में रोजाना सैकड़ों की संख्या में डॉग बाइट के केस आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। कई सारे सवाल जिम्मेदारों के लिए खड़े हो रहे हैं। तो
वहीं ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचा दिया है। मंगलवार को जिले में 548 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। मुरार अस्पताल में 197 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। जयरोग अस्पताल की बात करेंगे जहां पर 131 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। हजीरा सिविल अस्पताल में 153 मरीज पहुंचे जिन्हें कुत्तों ने काट लिया था। वहीं डबरा सिविल अस्पताल की बात जहां 39 डॉग बाइट के मामले सामने आए। भितरवार में 28 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की और मरीज यहां पर एडमिट हुए हैं। तो इस तरीके से 500 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं। तो एमपी में लोकसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी। 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को भी मिल सकता है मौका। हाल में हुए विधानसभा चुनाव की देखी जाएगी परफॉर्मेंस। कमजोर प्रदर्शन वाले करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो लोकसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी, जहां 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। कमजोर प्रदर्शन वाली करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। तो एक ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ली। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता दिलाई। जय विलास पैलेस में सिंधिया ने भाजपा में आने वालों का स्वागत किया। तो खबर ग्वालियर से, 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में ये वो नेता हैं जो कि ग्राउंड पर अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं, अच्छी मजबूती से रहते हैं लोगों के बीच, उनका अच्छा सामंजस्य होता है। जब ऐसे नेता पहुंच जाएंगे दूसरी पार्टी में तो जाहिर सी बात है ग्राउंड पर जो नुकसान अब कांग्रेस को होगा वो देखने वो काफ़ी ज़्यादा होगा और बीजेपी और ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो जाएगी। तो विधानसभा चुनावों के बाद अब बारी लोकसभा चुनाव की है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस जुट चुके हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। लोकसभा चुनावों में दोनों ही दल क्या कुछ नया कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी जहां अपने शानदार प्रदर्शन और सफलताओं को दोहराने की तैयारी में है तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि उसके लिए परिणाम बेहतर हो सके। प्रदेश की कई सीटों पर सांसद प्रत्याशियों के चेहरे बदलना तय है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आधा दर्जन सांसदों को मैदान में उतार दिया था। अब पार्टी में इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो माना यह भी जा रहा है कि मौजूदा सांसदों की जगह भी नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी यही कह रही है। फेस तो अगर आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक फेस है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कुछ नए लोग आएंगे, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी में ये सतत प्रक्रिया है कि नए लोगों को स्थान मिलता रहे और पुराने लोगों के अनुभव का लाभ मिलता रहे। और पार्टी ये तय करती है कि किसको किसकी भूमिका में रखना है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं जो सत्ता से संगठन में चले जाते हैं, बहुत लोग हैं जो संगठन से सत्ता में आ जाते हैं, विधानसभा और लोकसभाओं के माध्यम से निर्वाचित होकर पहुँचते हैं, परंतु मूलतः भारतीय जनता पार्टी सतत प्रवाहित होने वाला दरिया है जिसमें नयापन हमेशा आता रहता है और जो पुराने गुण हैं वो हमेशा बने रहते हैं। बात कांग्रेस की करें तो साल 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस अब जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है ताकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन को स्वीकार करती है। बेशक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कांग्रेस उससे अछूती नहीं रह सकती है। आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी जी को देखिएगा, नौजवान है। सीएलपी लीडर के रूप में उमंग सिंगार जी को आप देखिएगा, डिप्टी सीएलपी लीडर के रूप में आप हेमंत कटारे जी को देखिएगा। तो ये वही तो संदेश है
कि नौजवानों को उनकी पूरी समुचित सहभागिता मिले, उस दिशा में पार्टी चल रही है। बहरहाल बीजेपी में बड़े पैमाने पर बदलाव तय हैं, क्योंकि उसके कई सांसद विधानसभा चुनावों में जीतकर विधायक बन चुके हैं। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, तो उनके लिए बड़े और कद्दावर नेताओं की अनदेखी करना जरा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेता अपनी अपनी जगह तलाशने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। पतंजलि हनी ने पाक ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। बुरहानपुर में गारमेंट कारखाने में लगी आग, लाखों की मशीनें और कपड़ा जलकर खाक। मंदसौर में एक व्यक्ति ने पशु चिकित्सा विभाग का वाहन फूंका, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, ग्रामीण क्षेत्र में घूम रही मादा तेंदुआ। भोपाल में मासूम की मौत का खुलासा, और रेबीज इंफेक्शन से गई थी बच्चे की जान। ग्वालियर में आवारा कुत्तों ने मचाए कोहराम, 24 घंटे में 455 से ज्यादा लोगों को काटा। रतलाम में रिश्वतखोर वनपाल गिरफ्तार, 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भिंड में अपराधी बेखौफ, सरयाम हथियार लहराने का वीडियो आया सामने। अनूपपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले का विरोध, असम के मुख्यमंत्री का जलाया पोस्टर। दतिया में कांग्रेस ने किला चौक पर दिया धरना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले का विरोध। भोपाल में एमपी कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन, न्याय यात्रा के दौरान हुए हमले का किया विरोध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले पूर्व सीएम, मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात। पन्ना में पुलिस युवती के कत्ल का किया खुलासा, मंगेतर ने की थी हत्या। उमरिया के ओढ़ेरा गांव तेंदुए का शव बरामद, बोरे में बंद मिली लाश। सीहोर में छात्राओं से परिसर की सफाई, अनुसूचित जाति विकास के दफ्तर के पास बने छात्रावास का मामला। खरगोन में सिकलीकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, प्रशासन ने रोजगार से जोड़ने और समाज के कल्याण को लेकर पहल की। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा धर्मांतरण। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर चाइल्ड पॉर्न अपलोड करने वाला गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। कोरबा में भीषण सड़क हादसे में एनटीपीसी के डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के चलते हादसा। महासमुंद में अवैध धान के परिवहन पर बड़ा एक्शन, 700 बोरे अवैध धान जब्त, गरियाबंद जिले के जामगांव में खपाने की थी तैयारी। कवर्धा में बीजेपी पार्षदों ने फूका कांग्रेस पार्षद का पुतला, नगरपालिका की जिम्मेदारी से भागने के आरोप लगाए। बलौदाबाजार हादसे में कंडक्टर को निकाला गया बाहर, हाईवे में फंसा हुआ था कंडक्टर और ड्राइवर, 12 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। दुर्ग में अंतर जिला वाहन चोर गिरोह पुलिस की हत्या चढ़ा, आरोपी के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद। कवर्धा में 50 लाख की चोरी का खुलासा, पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा, सामान भी जब्त। रायपुर में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए, बड़े पैमाने पर नेता कार्यकर्ता शामिल। कोरबा में हुक्का बार पर एक्शन, अवैध रूप से चलाया जा रहा था बार, पुलिस ने 7 रईस जादों को भी गिरफ्तार किया। बिलासपुर में हिट एंड रन का मामला, अनियंत्रित वाहन ने युवती को रौंदा, युवती की घटनास्थल पर जान गई। कवर्धा में भीषण सड़क हादसे में कार सवार की हालत गंभीर, 3 अन्य लोग घायल। कांकेर में बीजेपी नेता सीम राय हत्याकांड में एक्शन जारी, आरोपी विकास पाल के अवैध होटल पर चला बुलडोजर, कल घर को किया जब्त। दुर्ग में अपराधियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, विधायक रिकेश सिंह ने खुले मंच से ऐलान किया, छात्र की हत्या पर विधायक का ऐलान। बलौदाबाजार में 2 मंजिला मकान में जा घुसी तेज रफ्तार कार, भरी हाईवा भी टकराई, मलबे में फंसे ड्राइवर और होल्डर। कांकेर में बिजली पोल पर लगी आग, समय रहते सीज फायर से बुझाई आग। अनूपपुर में दूसरे के भाइयों को कार ने मारी टक्कर, दोनों भाइयों की मौत। जगदलपुर में 6 सदस्य हिंदू परिवार की घर वापसी, कुछ साल पहले मजहब में किया था परिवर्तन। दुर्ग में चाइनीज मांझे से गई युवक की जान, 5 साल के मासूम की भी हालत गंभीर। बिलासपुर में गूगल बॉय अरमान उबरानी को मिला बच्चों का सर्वोच्च सम्मान, विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाद जगदलपुर में बच्ची को मारने की कोशिश का मामला सामने, मां ने मासूम को मारने की कोशिश की, मासूम को चूहों के बिल के पास छोड़ा, प्रेमी ने बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, मिट्टी का तेल डालकर मारने की कोशिश की गई, सरपंच ने मासूम बच्ची को बचा लिया। और संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, वाकई में दिल दहला देने वाला मामला है कि एक मां अपनी ही बच्ची को मारने की तमाम प्रयास करती है। जी बिल्कुल, ये मां के क्रूरता का मामला सामने आया है, क्योंकि पूरा मामला तोकापर ब्लॉक का मामला है, जहां पर युवती और युवक प्रेम कर रहे थे आपस में, और दूसरे जैसे ही इनको इनके प्रेम में जब युवती गर्भवती हुई और एक कल बच्चे को जन्म दी, बच्ची को जन्म देने के बाद युवती और युवक के बीच में तालमेल बैठ नहीं पाया, जिसके बाद युवती ने लोक लाज की भय से उस बच्ची को गांव के खेत के पास जो चूहे का बिल है वहां जाके उसको रख दिया, साथ ही उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, मारने की कोशिश की गई। जब वहां से युवती जाने के बाद जब बच्ची की आवाज रोने की आ रही थी, तो आसपास जो लोग थे, वो जाने वाले लोग थे, उन्हें बच्ची का आवाज सुना और तत्काल ही 108 को सूचना दी। 108 मौके में पहुंच कर उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया, बच्ची को बचाया गया, बच्ची की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, इसको इलाज कराया गया, उसके बाद तोकापर ब्लॉक में बच्ची को भर्ती कराया गया, और अभी बच्ची स्वस्थ है और खतरे से बाहर है। बच्ची को अपने देखरेख में जो 108 है उनकी टीम ने रखा है, और चूंकि मामला गांव का है तो गांव में बैठ के जारी है। अभी फिलहाल पुलिस तक ये मामला पहुंचा नहीं है, ये पूरा मामले को लेकर चर्चा का विषय है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रत्न